नमस्कार। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल ने एक बार फिर से खेलों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने क्रिकेट पर भी अटैक किया है। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने विजय मर्चेंट अंडर 16 टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला लिया है। टूर्नामेंट 9 जनवरी से देहरादून में खेला जाना था। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सभी टीमों को देहरादून पहुंचने के लिए कहा गया था। खबरों की माने तो बीसीसीआई सचिव जय शाह ने गुरुवार को बोर्ड से जुड़े सभी संघों को एक ईमेल भेजकर कहा कि घरेलू क्रिकेट की शुरुआत अच्छी रही और अब तक 748 मैच पूरे हो चुके हैं। हालांकि अचानक कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल के कारण जूनियर टूर्नामेंट को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसीलिए बड़ा फैसला लेते हुए विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2022 को रद्द करने का फैसला लिया है। हम लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सुरक्षा नहीं बढ़ती गई तो भविष्य में मामले बढ़ सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स और मेडिकल टीम से गहन चर्चा करने के बाद अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2022 को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। बीसीसीआई इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बीसीसीआई अब की बार आईपीएल भारत में ही कराने का विचार कर रहा है और इसीलिए अभी से वो सभी तरह के रिस्क को दूर करना चाह रहा है।